उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार की अध्यक्षता में सेमिनार का आयोजन हुआ है। एंटी ड्रग्स दिवस पर लोगों को जागरूकता का संदेश भी दिया गया। उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने में ये मददगार भी होगा। इस दौरान पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा ऐसे कई स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ से ड्रग सप्लाई का काम किया जाता है। वहीं पुलिस महानिदेशक का कहना है कि ऐसी जगहों पर जल्द ही पुलिस की कार्रवाई देखने को भी मिलेगी। एंटी ड्रग्स पखवाड़ा चल रहा है अभी पूरे देश भर में एंटी ड्रग्स जागरूकता के लिए, और उसी के तहत ये आज हमने सेमिनार किया है जिसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स को शामिल किया गया, विभिन्न विभागों को शामिल किया गया, ड्रग एडिक्शन सेंटर वालों को बुलाया, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण, सबको बुलाया। और हमने जो है हमारा प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन है 2025 तक लोगों को ड्रग्स फ्री बनाना है, उसी की ओर हमारे ये सब कदम हैं। और जो भी हमारे एनफोर्समेंट में जो भी गैप्स होंगे उसी को प्लग करने के लिए कि कहाँ लोग हो जाए, कहाँ कमी रह जा रही है, हम जीरो पे क्यों नहीं ला पा रहे, उसी के लिए आज हमने मंथन किया है और इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हमारी ANTF है जो स्टेट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, उनको और प्रभावशाली बनाएंगे जिससे कि हम ड्रग्स की समस्या को जो है पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं।